अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने खाद्य तेलों के दाम में आग लगा रखी है। देश में सबसे सस्ता बिकने वाला पाम तेल पहली बार चार बड़े खाद्य तेलों में सबसे महंगा खाद्य तेल हो गया है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई भी थम गई है, जिसके चलते खरीदार सूरजमुखी के तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल और सोया तेल की तरफ रुख कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद इसके थोक दाम में $400 प्रति टन तक की वृद्धि हो चुकी है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि इस समय पाम ऑयल और सोया तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठक्कर के मुताबिक पूर्वी यूरोप का ब्लैक सी इलाका सूरजमुखी तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त युद्ध के चलते अफरा तफरी फैल गई है, जिससे भारत में सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई घट गई है, जिसका फायदा पाम ऑयल को मिल रहा है। ठक्कर ने यह भी कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध का मलेशिया और इंडोनेशिया की तेल कंपनियों ने फायदा उठाते हुए खाद्य तेलों के दाम महंगे कर दिए हैं। पाम ऑयल की कीमतों में ये बढ़ोतरी पहले से ही महंगाई से जूझ रहे एशियाई और अफ्रीकन देशों के उपभोक्ताओं की जेब पर भारी असर डाल सकती है, जिसके चलते वे खपत घटाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। साथ ही भारत के पास विदेशी खाद्य तेलों की उपलब्धता एक महीने तक के लिए ही है। ऐसे में केंद्र सरकार को तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश इंडोनेशिया के मंत्रालय से बात कर आयात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, अन्यथा देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में कमी आने की संभावना बन सकती है। खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। साथ ही ठक्कर ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड पाम ऑयल का भाव $1910 प्रति टन पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्रूड सोया ऑयल का भाव $1885 पर नजर आ रहा है। ये भारत के लिए मार्च में होने वाले शिपमेंट के भाव हैं। वहीं क्रूड रेपसीड ऑयल का भाव $1885 के आसपास है, जबकि यूक्रेन संकट के कारण बोर्ड बंद होने के चलते सनफ्लावर ऑयल का शिपमेंट करने में आयात तक सक्षम नहीं है। क्रूड पाम ऑयल का दाम दो महीने पहले तक के $1300 से $1350 प्रति टन था। युद्ध शुरू होने के बाद इसके रेट में $400 प्रति टन का उछाल आया है। साथ ही बता दें, संगठन के महामंत्री तरुण जैन ने कहा कि यूक्रेन संकट के चलते भारत में पाम ऑयल के भाव सोया ऑयल की तुलना में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। ब्लैक सी का इलाका दुनिया भर के सनफ्लावर ऑयल उत्पादन में 60% और इसके एक्सपोर्ट में 70% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता है, तब तक यूक्रेन के पोर्ट बंद रहेंगे। ये देखते हुए एशियाई और यूरोपियन रिफाइनरियों ने सूरजमुखी के तेल की जगह भरने के लिए आने वाले कुछ समय के लिए शिपमेंट के लिए पाम ऑयल की खरीदारी बढ़ा दी है। साथ ही जैन का ये भी कहना है कि उनके पास सोया ऑयल के खरीदने का भी विकल्प है, लेकिन सोया ऑयल के तुरंत शिपमेंट की संभावना अभी सीमित है। इसको लेके एशिया तक पहुंचने में पाम ऑयल की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।